हेलो माइक टेस्टिंग। और भाई कैसे सब लोग? 3 2 1 लेट्स गो लॉन्डो। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके चैनल पे गेमिंग ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप खेलते हो पबजी मोबाइल एंड उसमें यहाँ पे सुबह सुबह आपकी आरपी हो चुकी है लो, अगर आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है द सीजन रॉयल पास हैज एंडेड एंड न्यू सीजन विल बिगिन इन वन डे, ठीक है, तो फिर क्या है इसका सीन और क्यों आ रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आज जो डेट है वो है हमारी कितनी डेट है, आज 14 सितंबर है। तो कल जो है नया सीजन आएगा, कल आए 15, ठीक है। तो 15 को आएगा कौन सा सीजन? सीजन 15 आएगा, ठीक है। और ये जो है सीजन 15 आएगा इसलिए लिखा हुआ आ रहा है द न्यूज़ द रॉयल पास हैज एंडेड, मतलब जो रॉयल पास है वो हमारा एंड हो चुका है एंड द न्यू सीजन विल बिगिन इन वन डे। अभी वन डे लिखा हुआ आ रहा है मेरे में सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है, ठीक है। 7:30 बजे के बाद इसमें एक टाइमर लग जाएगा जो कि 24 घंटे का टाइमर होगा। इसका मतलब ये होगा कल सुबह 7:30 बजे आपका जो है नया रॉयल पास आएगा, और नया रॉयल पास जब आपका आएगा तो आपके में देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बात सुनो मेरी, आपके इसमें चेंजेस ये आएंगे कि अगर आप इस पे होगे तो आप पहुँच जाओगे प्लेटरम पे, और अगर आप होगे क्राउन पे तो भी आप प्लेटरम पे ही पहुँचोगे, ठीक है। लेकिन आप प्लेटरम 4 या फिर 5 पे पहुँचोगे, और जो एस वाले होंगे वो प्लेटरम 1 पे पहुँचेंगे, एंड अगर आप होंगे डायमंड पे तो आप गोल्ड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो है यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एस का टाइटल मिल जाएगा, अगर आप एस पे होंगे एंट्री भी मिल जाएगी जो पीछे पलटता है, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। और उसके साथ साथ नया रॉयल पास है तो भाई नए आउटफिट, नए इमोट्स, ये सारी चीज़ आएंगी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ बंदे क्या बोल रहे थे कि भाई पबजी बैन हो चुका है, ये मतलब आर पी लॉक हो चुकी है, अब तो रॉयल पास भी नहीं देख सकते, रॉयल पास भी बैन हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, नया रॉयल पास आ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई, कहीं कुछ बंदे ये ना बोले, ठीक है। तो इसलिए यार मैं आपको साफ साफ बात बता दूँ, ऐसी बात है। और दूसरी बात, अगर मान लो चलो रॉयल पास बैन भी हो गया, मतलब पूरा पबजी बैन हो गया, तो दूसरी बात केआर वर्धन है, देखो केआर वर्धन खेल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यार केआर वर्धन अब जबकि केआर वर्धन हम खेल सकते हैं, केआर वर्धन क्यों खेल सकते हैं? क्योंकि वो तो अभी तक पबजी में लॉन्च भी नहीं हुआ, और जो चीज़ हमारी लॉन्च नहीं होती वो चीज़ बैन कहाँ से होगी प्ले स्टोर पर? जब प्ले स्टोर पर है नहीं तो प्ले स्टोर पर बैन कहाँ से हो सकता है? तो भाई अगर आपको मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी हो, आप भी हो पबजी लवर, आप भी चाहते हो पबजी हो जाए अनबैन जल्दी से इंडिया में, तो जरूर भाई की वीडियो कर देना लाइक, एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सुबह सुबह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आप सबका दिन अच्छा हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन जरूर दबा देना अगली वीडियो पता चले।